अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म है और वो बोलता नहीं है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपका बच्चा किस तरीके से बोल सकता है, और साथ ही साथ मेरी लड़की की जर्नी बताऊंगी कि वो कब कितना बोलती थी और अब कितना बोलती है, और किस तरीके से मैंने उसको बोलना सिखाया है। इस वीडियो के माध्यम से आप भी अपने बच्चे को ये स्टेप फॉलो करके आप अपने बच्चे को बोलना सिखा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्लान बताऊंगी, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि झलक कब और कितना बोलती थी। तो देखिए, झलक जब एक साल की थी तब वो फिंगर पॉइंटिंग करने लगी थी। जैसे मैं बोलूँ नोज कहाँ है तो फिंगर से बताती थी, काऊ कहाँ है तो फिंगर से बताती थी, दादू कहाँ है तो फिंगर से बताती थी। जब वो 1.5 साल की हो गई थी तो स्क्रीन देखती थी, तो फिर उसने बताना छोड़ दिया था। पर ऐसे ऐसे करके 2 साल की हुई तो वो कुछ कुछ लिमिटेड वर्ड बोलती थी, जैसे पापा और मम्मी बोलती थी, और पानी बहुत ही लिमिटेड बोलती थी 2 साल तक, क्योंकि जब वो स्क्रीन ज़्यादा देखने लगी थी इसलिए वो बोलती नहीं। फिर वो उसके बाद धीरे धीरे मैं उसको बताती थी तो फिर वो 2 वर्ड के सेंटेंस बोलने लगी थी 2 साल के बाद। जैसे पानी चाहिए, वो बोलती पानी पानी, तो मैं बोलती थी पानी चाहिए बोल, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बोलती थी, बस ऐसे ही लिमिटेड, पानी चाहिए, दूध चाहिए, टॉफ़ी चाहिए, बस ये 2 वर्ड के सेंटेंस वो बोलती थी। तो वो इस तरीके से 2 वर्ड के सेंटेंस वो खुद से ही बोलती थी, क्योंकि जब वो चीज़ मांगती थी तो मैं उसे नहीं देती थी, मैं उसे बोलती थी कि ऐसे बोलो, पानी चाहिए तभी मिलेगा, और पापा मम्मी बोल लेती थी। तो वो और आगे कुछ भी नहीं बोलती थी, घर में और भी चीज़ें हैं, और भी कोई सेंटेंस वो नहीं बोलती थी। फिर मैंने उस पर काम किया, उसकी स्पीच पे। तो आप भी इसी तरीके से अपने बच्चे के स्पीच पे काम करें, लैंग्वेज पे काम करें। तो देखिए, सबसे पहले मैंने उसको घर की सारी चीज़ों के नाम बताए, यानी कि ये एप्पल है, ये ट्री है, ये बनाना है, ये बेड है, कुर्सी है, गेट है, गैस है, ये ग्लास है, चम्मच, फ्रिज, टीवी, ऐसे घर की सारी चीज़ों के मैंने नाम बताए। क्योंकि बच्चा इसलिए नहीं बोलता है क्योंकि वो स्क्रीन देखता है, या फिर उसको पता ही नहीं होता है कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं। जब बच्चे को पता ही नहीं किस चीज़ से क्या बोलते हैं तो वो बोलने से बचता है, वो सेंटेंस नहीं बना पाता, इनफैक्ट 1 वर्ड में भी वो नहीं बोल पाता है। अगर बच्चे को सब चीज़ों के नाम पता होंगे तभी तो वो बोलेगा। तो सबसे पहले मैंने बच्चे को सब चीज़ों के नाम बताए, और बाहर भी कहीं जाते थे रोड पे तो भी मैं बताती थी ये रोड है, रोड पे हम चल रहे हैं, ये तो आगे की बात है, हम चल रहे हैं रोड पे, पहले आप नाम ही बताओ, बस, कार, ट्रेन, बाहर जाओ तो सब बताओ, ट्री, एलिफेंट, फ्रॉग, डॉग, कैट, ऐसे बच्चे को बताइए। आप फ्लैश कार्ड से भी बता सकते हैं और रियल में भी आप बता सकते हैं, अगर आपके पास जो भी चीज़ें हैं सबके नाम बताइए, ठीक है। अब नाम बच्चे को आने लगे हैं तो अब उसको छोटे छोटे 2 वर्ड के सेंटेंस बताइए, जैसे पानी दे दो, पानी ले लो, उसके हाथ में ऐसे रख के दो ग्लास में कि पानी ले लो, पानी दे दो, या कोई भी टॉय है, टॉय दे दो, टॉय ले लो, ऐसे उसको बोलो, ऊपर रखो, नीचे रखो, इधर आओ, उधर जाओ, ये करो, वो करो, ऐसे सिंपल से 2 वर्ड के सेंटेंस उसको आप बताइए, बार बार बोलिए। अगर वो कुछ मांग रहा है तो आप बोलो कि ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे बच्चा पानी पानी कर रहा है, सारे से हाथ से मांग रहा है, तो आप उसको बोलो पानी चाहिए, पानी चाहिए, ऐसे उसको बोलो। जब बच्चा 2 वर्ड के सेंटेंस पे आ जाएगा, झलक भी आसानी से 2 वर्ड के सेंटेंस पे आ गई थी। जब बच्चा 2 वर्ड के सेंटेंस पे जाए तो उसे 3 वर्ड के सेंटेंस आप बताइए, जैसे मुझे पानी दे दो, मुझे पानी चाहिए, वो बच्चे को बार बार बोलना है। देखिए, मैंने स्पीच पे इस तरीके से काम किया कि मैं पूरा दिन बच्चे के साथ बोलती रहती थी। मैं उसको पूरा रूटीन प्लान बताती हूँ कि सुबह से रात तक मैं किस तरीके से उससे बोलती थी। तो देखिए, सुबह जैसे ही वो उठी तो मैं उसको बोलती थी झलक उठ गई, झलक उठ गई, मतलब उसको समझ में आए कि उठ गई, मतलब उठना यानी कि सो के उठना, झलक उठ गई, झलक पानी पीने गई, झलक सुसु करने गई, झलक ने नाश्ता किया, ऐसे उससे बोलो। और फिर अपना खुद का भी बोलो कि मैं खाना बना रही हूँ, मैंने दाल बॉईल कर दी है, मैं रोटी बना रही हूँ, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, पूरा दिन बताओ। पापा मार्केट जा रहे हैं, पापा ऑफिस जा रहे हैं, पापा ऑफिस से शाम को आएंगे, पापा चीज़ लेकर आएंगे, कुछ ना कुछ बोलते रहिए बच्चे से पूरा टाइम।
ऐसे सुबह से वो उठती थी तो फिर मैं बोलती थी अब झलक स्कूल जाएगी, मैं झलक के लिए नाश्ता बना रही हूँ, झलक आज नाश्ते में क्या लेके जाएगी, झलक आज पोहा लेकर जाएगी, ऐसे मैं खुद ही बोलती थी उसके सामने। और उसको ये भी नहीं पता था कि कोई पूछे आपका नाम क्या है तो वो खुद का नाम भी नहीं बता पाती थी, इनफैक्ट और किसी का भी नहीं बता पाती थी, और वो पापा को भी नहीं पहचान पाती थी। यानी कि मैं घर से 10-15 दिन के लिए बाहर चली जाऊँ कहीं भी उसको लेकर, तो वो पापा को ही भूल जाती थी, पापा नहीं बोलती थी पापा को। तो फिर ऐसे धीरे धीरे मैं उसको पूरा दिन ही कुछ ना कुछ बोलती रहती। मैं जो भी काम करती थी उसको मैं साथ में लेकर बैठती थी, मैं जो भी काम कर रही हूँ, मैं ऐसे खाना बना रही हूँ तो मैं उसको साथ में लेकर बैठती थी, मैं ऐसे सब्जी काट रही हूँ तो उसके हाथ में भी सब्जी देती थी तो वो भी सब्जी हाथ में देखती थी, बच्चा टच करते देखता है। जैसे मैं भिंडी बना रही हूँ तो मैं बोलती थी ये भिंडी है, ये वेजिटेबल भिंडी है, ये ग्रीन कलर की है, इससे सब्जी बनेगी, सब्जी को हम रोटी के साथ खाएंगे, ऐसे कुछ ना कुछ मैं बोलती रहती थी। अब भिंडी की सब्जी के लिए मैंने क्या क्या काट लिया, भिंडी काट ली, प्याज लहसुन काट लिया मैंने, अब देखो अब मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, प्याज डाल दिया है, अब मैंने भिंडी डाल दी है, अब इसको ढक के रख देती हूँ मैं, तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। तो जो भी मैं कर रही हूँ ना पूरा एक एक सेंटेंस में उसको बोलती रहती थी, उसको कुछ समझ नहीं पड़ता था पर मैं डेली की डेली में बोलती रहती थी, उसके कानों में आवाज़ जाती रहे, क्योंकि वो पहले स्क्रीन देखती थी तो सुनती समझती नहीं थी किस चीज़ से क्या बोलते हैं कैसे बोलते हैं, उसको पता ही नहीं था। अब ऐसे झलक ने बिस्किट फेंक दिया तो मैं बोलती थी ओ झलक ने बिस्किट फेंक दिया, बिस्किट फेंक दिया, उठाओ बिस्किट उठाओ, और उठा के आप उसको बताओ कि ऐसे उठाते हैं, इसको उठाना बोलते हैं, बच्चे को आपको पूरा बताना, बच्चे को सारी क्रियाएं आपको बतानी होंगी, जैसे थूक के दिखाओ ये क्या है थूकना, ये क्या है फेंकना, ये क्या है उठाना, ये क्या है चलना, ये क्या है दौड़ना, ये क्या है जंप करना, आपको सारी क्रियाएं बच्चे को बतानी होंगी। और फिर बात आती है क्वेश्चन आंसर पे, तो बच्चे को क्वेश्चन आंसर सिखाना होगा आपको। शुरू में बच्चे क्यों नहीं बोलते हैं, इसलिए नहीं बोलते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कि क्वेश्चन का आंसर करना है, बच्चे रिपीट करते हैं, झलक भी रिपीट करती थी, मैं बोलती थी आपका नाम क्या है तो वो भी बोल देती थी आपका नाम क्या है, तो उसको सिखाना होगा क्वेश्चन का आंसर करना, यानी कि उसको बताना होगा कि कोई पूछे आपका नाम क्या है तो आपको बोलना है झलक, कोई पूछे आप क्या खा रहे हो तो वो भी बोल देती थी आप क्या खा रहे हो, ये नहीं बोलती थी कि मैं पोहा खा रही हूँ। तो बच्चे को क्वेश्चन का आंसर करना शुरू में सिखाना होगा। अलग से मैंने चैनल पर डिटेल वीडियो बनाई है कि बच्चे को क्वेश्चन का आंसर करना कैसे सिखा। तो देखिए सबसे पहले बच्चा वन वर्ड सीखता है घर के आसपास जो चीज़ें हैं, फिर टू वर्ड के सेंटेंस, फिर थ्री वर्ड के सेंटेंस, फिर उसके बाद बच्चा क्वेश्चन का आंसर करने लगता है। तो बच्चे को आपको क्वेश्चन का आंसर करना सिखाना होगा, बच्चा क्वेश्चन का आंसर देगा फिर उसके बाद बच्चे का जो लैंग्वेज है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे जब बच्चा और बोलने लगता है तो बच्चा खुद से क्वेश्चन करने लगता है, जब बच्चा खुद से क्वेश्चन करने लगे तो समझो कि बच्चे की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगी है और आपको बस उस पर ध्यान देना है और काम करना है। बच्चे को क्वेश्चन आंसर सिखाने के लिए शुरू में आपको खुद ही क्वेश्चन करना है और खुद ही आंसर करना है। जैसे मैं बोलूँ झलक आप क्या खा रही हो तो फिर बोलो मैं रोटी खा रही हूँ, यानी कि बच्चे को बोलो ऐसा बोलो मैं रोटी खा रही हूँ, तो मैं बोलती थी झलक आप क्या खा रही हो, फिर मैं उसको बोलती थी अब तो मैं ऐसे बोलो मैं रोटी खा रही हूँ, तो वो बोलती थी मैं रोटी खा रही हूँ, और मैं बोलती थी झलक तुम क्या कर रही हो, तो मैं उसको बोलती थी मैं खेल रही हूँ, तो वो बोलने लगती थी मैं खेल रही हूँ। तो बच्चे को आंसर करना सिखाना है, शुरू में आप देखेंगे कि आपको हर क्वेश्चन करना आंसर करना सिखाना होगा, फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे बच्चा खुद ही क्वेश्चन का आंसर करने लगेगा अपने दिमाग से ही खुद ही। और दूसरी बात आपको बच्चे को बताना होगा, यानी कि आसपास जो भी हो रहा है सब आपको बताना होगा। जैसे अब आप घर के बाहर बैठे हैं तो आप बोलोगे देखो वो भैया क्या कर रहा है, तो बच्चे को शुरू में आंसर करना नहीं आता है, तो आप बोलोगे भैया खेल रहा है, ये देखो अंकल कहाँ जा रहे हैं, तो अब बच्चे को आंसर नहीं आता, तो आप बोलो अंकल मार्केट जा रहे हैं, झलक आप ऐसे बोलो अंकल तो मार्केट जा रहे हैं। तो आपको ऐसे सिखाना है अपने आसपास जो हो रहा है, ये देखो कपड़ा को क्या हो रहा है, कपड़ा हिल रहा है, आंटी कपड़े को क्या कर रही है, आंटी कपड़े को वॉश कर रही है, और पापा ने क्या फेंका, पापा ने एप्पल फेंका,
ऐसे आपको बच्चे को नॉर्मल जो आसपास जो भी हो रहा है सब क्वेश्चन करना और आंसर करना, शुरू में दोनों ही आपको बताना होगा। मैंने भी यही किया था। ऐसे ऐसे आप देखोगे कि बच्चा खुद ही आंसर करने लगेगा इस तरह का। आप बोलोगे पापा कहाँ जा रहे हैं, तो बच्चा बोल देगा पापा ऑफिस जा रहा है, पापा क्या पहन रहा है, पापा यूनिफॉर्म पहन रहे हैं। बच्चा खुद ही बोलने लगेगा। आपको बस पूरा दिन जो भी आप कर रहे हो, जो भी आसपास हो रहा है, पूरा उसको बोलना है 24 घंटे बोलता रहना है। जब भी आप जागे हो तो उस टाइम आपको बोलते ही रहना। आपको लगेगा कि बच्चा सुन नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, तो आपको ऐसे नहीं सोचना है, क्योंकि बच्चा सुनता रहता है, समझता रहता है। जब स्क्रीन बंद कर देते हैं तो उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता है, तो बस वो बैठ के सुनता रहता है, फिर वो सडनली बोलने लगता है इस तरीके से। तो देखिए अब बात हो गई है कि आसपास की चीज़ों के क्वेश्चन आंसर करना है। अभी भी बच्चे में ज़्यादा भाषा का पूरा विकास नहीं होगा, वो तब होगा जब बच्चा खुद से ही क्वेश्चन करने लगेगा। शुरू में बच्चा इस तरीके के क्वेश्चन करेगा, ये क्या है, पापा कब आएंगे, अंकल क्या कर रहा है। शुरू में बच्चा ऐसे क्वेश्चन करेगा तो तब भी उसका उतना विकास भाषा का नहीं होगा। जब बच्चा क्यों वाले क्वेश्चन करने लगेगा तो उसका जो भाषा का विकास है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो बच्चे को क्यों वाले क्वेश्चन भी करना सिखाना है आपको, आपको इस तरीके से सिखाना है। अब जैसे बच्चा कुछ काम कर रहा था, जैसे बच्चा कोई बोतल पकड़े था, अब बोतल उसके हाथ से गिर गई, बोतल में से ऑयल फैल गया, तो आपको बच्चे को सिखाना होगा। अब आप बच्चे को बोल रहे हो कि ये क्यों किया, ये क्या किया तुमने, ये क्यों किया। अब बच्चे को क्या पता कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, तो आपको बच्चे को बताना होगा कि आपसे कुछ नुकसान हो जाए तो आपको ऐसे बोलना है, गलती से फैल गई, मैंने जानबूझकर नहीं फैलाया। आपको बच्चे को ऐसे सिखाना होगा, क्योंकि झलक क्यों वाले क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाती थी पहले, तो मैंने उसको ऐसे ही सिखाया। एक दिन उससे ऑयल की बोतल हाथ से गिर गई और ऑयल फैल गया, अब मुझे गुस्सा आने लगा, फिर मैंने बोला ऐसा क्यों किया। अब वो कुछ बोल नहीं पा रही, तो मैं समझी कि इसको पता ही नहीं है आंसर क्या करना है इस सिचुएशन में, तो आपको उस सिचुएशन का आंसर भी सिखाना है। क्योंकि अगर देखिए बच्चा बाहर जाता है, बाहर किसी का कुछ सामान टूट गया, गलती से नुकसान हो गया, तो बच्चे को बोलने के लिए होना चाहिए कि गलती से हो गया, जानबूझ के नहीं किया। बच्चा चुपचाप खड़ा रहेगा तो लोगों को बुरा लगेगा, इसलिए आपको ये आंसर करना बच्चे को सिखाना होगा। और झलक क्यों वाले क्वेश्चन भी करने लगी है, ऐसे झलक बोलेगी कि आइसक्रीम खाने चलो, डेली हम खाने जाते हैं, तो फिर मैं बोलूँगी आज नहीं जाएंगे, तो वो बोलेगी क्यों नहीं जाएंगे, तो मैं बोलूँगी क्योंकि बारिश हो रही है ज़ोर से, हम भीग जाएंगे, तो बोले के अम्ब्रेला लेके चलेंगे, फिर मैं बोलती हूँ नहीं जाएंगे, तो वो बोली क्यों नहीं जाएंगे, तो मैं बोलूँगी अंकल का फ्रिज ख़राब हो गया है, तो वो बोलती है किसने ख़राब किया, तो मैंने बोल दिया उसकी एक लड़की है, उन्होंने ख़राब कर दिया, तो वो बोलती है कैसे कर दिया, तो मैंने बोला वो बार बार फ्रिज खोलती थी तो ऐसे उसने ख़राब कर दिया, आप भी खोलती हो आप भी फ्रिज ख़राब कर दोगी, तो ऐसे करके कम्युनिकेशन वो करती है। जब बच्चा क्यों वाले क्वेश्चन करने लगता है तो उसको रीज़न पता चलने लगते हैं। तो बच्चा क्यों वाले क्वेश्चन करने लगता है और क्यों वाले क्वेश्चन का आंसर करने लगता है, तो आप समझ जाइए कि आपके बच्चे का भाषा का विकास काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो आप इस तरीके से बच्चे की भाषा का विकास कर सकते हैं। अब बात आती है कि बच्चा घर पे तो बोलता है पर घर के बाहर नहीं बोलता है किसी से, तो उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ कि झलक भी पहले घर पे तो बोलती थी पर बाहर नहीं बोलती थी, तो हम बोलते थे घर पे तो बोलती है बाहर नहीं बोलती, तो उसको आपको एक काम करना होगा कि आपको रोज़ बच्चे को बाहर लेके जाना होगा और इनक्रेज करना होगा, नए नए बच्चों से लोगों से मिलाना होगा कि अंकल को हाय करो, आंटी करो, और आप बच्चे को बोलो कि क्वेश्चन करो, आप इनसे आंसर करो, इनसे बातें करो। तो आप इस तरीके से बच्चे को बाहर लेके जाएंगे, बातें करेंगे और लोगों से इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो बच्चा बाहर वालों से डरेगा नहीं, तो बोलेगा फिर वो, क्योंकि बच्चा बाहर वालों से डरता है इसलिए वो नहीं बोलता है। तो आपको बच्चे को बाहर वालों से बात करवाना होगा। खोलो ना, बाद में पियेंगे, अभी वीडियो बना रही हूँ। तो अभी मैं बताती हूँ कि झलक की लैंग्वेज स्पीच में अभी क्या कमी, अभी ये है कि वो किसी से आमने सामने तो फिर भी बात कर लेती है पर
जो वीडियो कॉल है ऑडियो कॉल है उस पर वो बात नहीं करती है किसी से, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा बहुत करती है, एक दो सेंटेंस वगैरह बोलती है, बात करती है, पर ज़्यादा नहीं बोलती है। अब उस पर भी मैं काम कर रही हूँ कि किसी से फ़ोन पे बात करे और वीडियो कॉल भी करे। बाहर झलक जाती है तो बोल लेती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलती, पर कोई क्वेश्चन करता है तो आंसर कर देती है, कभी नहीं भी करती है। पर एक बात ये है कि वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करती है, किसी घर जाती है तो उनसे क्वेश्चन करती है, खुद आंसर बहुत कम करती है और क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा करती है। और अभी स्कूल में उसके इंग्लिश चलती है, पूरा टीचर इंग्लिश में बोलती है और घर पे हम हिंदी में बोलते हैं, तो स्कूल में भी वो ज़्यादा नहीं बोलती है टीचर से, क्योंकि इंग्लिश उसको आता नहीं है और हिंदी में बच्चे बात करते हैं तो थोड़ा बहुत स्कूल में हिंदी में बात कर लेती है वो। और अभी उसकी भाषा का तो काफ़ी ज़्यादा विकास हो गया है, अब सब तरह के सेंटेंस वो बोलती है, पर अभी जो कठिन कठिन वर्ड हैं बहुत वो अभी नहीं बोल पाती है, और जो नॉर्मल वर्ड हैं सेंटेंस हैं वो बोलती है और अच्छे से जो कम्युनिकेशन है उसको होल्ड भी कर पाती है, काफ़ी देर तक बोल पाती है, कम्युनिकेशन कर पाती है। पहले तो बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप भी अपने बच्चे को बोलना सिखा सकते हैं। शुरू में घर की चीज़ों के नाम बताइए, फिर दो वर्ड के सेंटेंस पे आइए, फिर तीन वर्ड के सेंटेंस, चार वर्ड के सेंटेंस, पांच वर्ड के, छह वर्ड के सेंटेंस पे आप आइए, फिर बच्चे को क्वेश्चन का आंसर करना सिखाइए, फिर बच्चे को क्वेश्चन करना सिखाइए। और बच्चे को क्वेश्चन का आंसर करना कैसे सिखाएं और क्वेश्चन करना कैसे सिखाएं, इसकी अलग से सेपरेट वीडियो भी मेरे चैनल पर है, वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं। पेरेंट्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या वीडियो के बारे में कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।